अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सारे दोस्त। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं 856 से। ई सारमन मुअसल सासनी का इस शख्स ने क्या खरीदा? ओनल छिंगुदल हागो खाची फ्योरुक शीजांगे खासमिदा। आज दोस्तों के साथ इकट्ठे फ्योरुक शीजांग, ये बाजार का नाम है, खासमिदा गया था। फ्योरुक शीजांग जो फ्योरुक बाजार है, मे चु थोयो इल्मादा योलिमनिदा। हर हफ्ते हर वीक में हफ्ते के दिन खुलता है। फ्योरुक शीजांगे सोना फ्योरुक बाजार में से मुल्गो नल फाल जियांगो, नया सामान नहीं बिकता। थारन सारमी सायों खान छुंगू मुल्गो नल फामनिदा। दूसरे लोगों का सायों खान इस्तेमाल किया हुआ छुंगो पुराना मुल्गो नल मान सामान सिर्फ फामनिदा बिकता है। खरे साओ इसलिए खप तो सागो, रेट भी सस्ता होता है। छेमी तो थो इसमनीदा और दिलचस्पी भी मजीद ज़्यादा होती है। सोनर ओनर ही शीजांगे साओ, मैंने आज इस बाजार से छुंगो फिल्म खामेरा रल सासमनीदा। वो फिल्म कैमरा जो होता है ना, वो उसने कहा कि मैंने खरीदा है। योजमन थिची तो खामेरा रल सिन्न सारमदरी मानसी मान। कहते हैं आजकल डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन छो ना ये ना कैमरा का छो छो स्मिदा, लेकिन मुझे पुराना जो कैमरा है वो मजीद अच्छा है, ज़्यादा पसंद है। इस साजिन गिरो इस कैमरे के ज़रिए, ये साजिन गिरो भी साजिन तस्वीर को कहते हैं ना, गी मशीन को कहते हैं जिसके साथ लग जाते हैं, आपको पता है। यानी कि साजिन गी फिर मशीन वाली तस्वीर कैमरा ही हुआ। आरमदा उन हंगू की, उसने कहा कि जो है ई साजिन गीरो आरमदाउन हंगू की फुंग्योंगल मानी चिक्को शिपसमनी। उसने कहा कि मैं जो है इस कैमरे के ज़रिए जो है कोरिया की जो स्कैनरी है, यानी कि खूबसूरती है, उसकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें खींचना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि क्या ख़रीदा इसने चुंगू साजिन की। हाँ यही एक ही नंबर जवाब है इसका, आप इसको देख लें, पहले ही जवाब है इसका, ठीक है, यही होगा, इसको आप टिक कर लें और 857 पे आ जाएं। हंगू के सो फांछा ने रोस हायो हा गो इनन गोशी आनिन गोशे मुगोशिनी का। उसने कहा कि जो कोरिया में फांछा ने रो साइड डिशेज जो होती हैं, सायोंग हा गो इनन इस्तेमाल करने वाली गोशी चीज़ आनिन जो नहीं है, गोशन मुगोशिनी का वो क्या है। उसने कहा कोरिया में जो आप इसमें यूज़ करते हैं साइड डिशेज में ना इस्तेमाल करने वाली चीज़ क्या है। अभी पढ़ते हैं फ्रेंड, फिर पता चलेगा। हंगुक सारम दरन कोरिया के लोग शिक्षा रो फपक्वा फांसा नल मोक्समिदा। उन्होंने कहा कि खाने में जो है वो चावल और रोटी और चावल और फांछान यानी कि साइड डिशेज खाते हैं। फपल सालो मांदम निदा, इनके जो खाना होता है वो चावलों से बना हुआ होता है। फांछान जो साइड डिशेज हैं योरो काजी गा इसम निदा, बहुत सारी किस्मों की होती हैं, बहुत किस्म बहुत ज़्यादा होती हैं। उसने कहा कोगी ना सेंगसान रो सेंगसान रो, गोश्त और मछली के ज़रिए मांदन फांसान तो इक्को, बनी हुई डिशेज भी मौजूद होती हैं। 600 रो मांदन फांसान तो इसम निदा, और सब्जियों से बनी हुई साइड डिशेज भी होती हैं। बांग्लादेश है, बांग्लादेश को कहते हैं सारम दल, तो लोग भी फापुल मौसमिदा खाते हैं, खाना खाते हैं ये, या ये चावल है, खाते हैं बांग्लादेशी ये। सो बांग्लादेश में फापल फत ईरा गोहा गो, उसने कहा कि बांग्लादेश में चावलों को फत ईरा गोहा गो यानी कि कहते हैं। फांछानल तुल कार ईरा गो हमनीदा, और फांछान जो साइड डिशेज होती हैं उसको तुलकार ईरा गो हमनीदा, तुलकारी कहते हैं। हंगुसारमदरी कोरिया के लोग छल अलगो इनन, सही जानने वाले खारे तो तुलकारी जूंगी हना इमनीदा। खारे ये भी एक डिश है, ये वैसे पाकिस्तानी डिश भी है, इंडिया की डिश भी है, बांग्लादेश की भी है, ये उसको खारे बोलते हैं। ये बहुत किस्म की होती हैं, गोश्त वाले भी होते हैं और सब्जी वाले भी होते हैं। तुलकारी जूंगी, तुलकारी जो है यानी कि उसमें जो साइड डिशेज हैं उनमें से जूंगी में से हना इमनीदा एक है। खारे वो कह रहे हैं, उसका कहने का मतलब है कि ये उनमें से बांग्लादेश में यानी कि खारे जो हैं वो इनकी तुलकारी में से एक है। तुलकारी वो इसको फांछा
थान शान को कहते हैं ना, तो उनमें से उसने कहा कि एक है। सवाल क्या था? अनिन क्वेश्चन, उयू खोगी सेंगसोन 600, ये सारी इस्तेमाल होती हैं। उयू बस उसने नहीं बताया कि इस्तेमाल होता है ना, तो फिर इसका जवाब नंबर एक होगा उयू। उसने बताया ना कि गोश्त भी इस्तेमाल होता है, मछली भी होती है, सब्जियां भी होती हैं, लेकिन उयू का नहीं उसने कहा ना, तो नंबर एक जवाब है। फ्रेंड्स आए 858 पे, ई खरी इस तहरीर का नेयोंग व थारन गोशल खोरी शिपशियो, इस तहरीर का नीचे दिया हुआ थारन गोशल यानी कि गलत बात आपने तलाश करनी है। हंगुकन खिदगीशिस्तानी थोंगचो के इसोयो नामचोक दोंगचोक ईस्ट को कहते हैं, ये दोंगचोक जो होता है ना। उसने कहा कि कोरिया जो है वो कर्गिस्तान के ईस्ट में मौजूद है, खरे साओ, इसलिए हंगुक शीगान कोरिया का टाइम किर्गिस्तान बुदा किर्गिस्तान के टाइम से शीगान 3 घंटे थौ पल्लायो मजीद तेज है। हंगू के सौ कोरिया में ओहू नेशिये इलते दोपहर के 4 बजे हूँ, तो किर्गिस्तान ओहू हांसिए हो, किर्गिस्तान में दोपहर का 1 बजा होता है। खरीगो और फिर हंगू कन कोरिया किर्गिस्तान ग्वा किर्गिस्तान के साथ खाची इकट्ठे फोम मौसम बहार योरम खाल ख्याल गर्मी खजां और उसके बाद मौसम सरमा सागे छोरी सोयो, 4 सीजन हैं। फोमेन मौसम बहार में ताता था गो यानी कि जो है ना गर्म, और योरमेन थपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये वो वाला तातत नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म, ये हल्का जो गर्म आप कह सकते हैं। हंगुगे ख्यूलन नहीं सॉरी यहाँ खाले नन सोन सोन हागो, सोन सोन कहते हैं यानी कि थोड़ा सा ना ठंड लगना, यानी कि साल साल भी एक होता है कि सर्दी लगना, एक सोल सोल भी होता है, ये थोड़ा सा जो होता है ना हल्की हल्की ठंड उसको कहते हैं। वो उस पे खजाम है ख्यौ, जिसको आप कहते हैं यार दिन में थोड़ी गर्मी होती है और रात को ठंड हो जाती है, उस तरह का भी आप कह सकते हैं। ख्यौले नन मौसम सरमा में छुओ यो बहुत सर्दी होती है। हंगू की खिर्गिस्तान बुदा कोरिया में किर्गिस्तान से छोकम नामचो के इचिमान थोंगचो की फांदे माल जो है ना वो है नामचोक, यानी कि वो ईस्ट ईस्ट था ना, तो ये फिर क्या होगा इसके बाद क्या था, हाँ नामचो के इचिमान नामचोक में मौजूद है, लेकिन हंगू की ख्याउलन कोरिया का जो मौसम सरमा है सप्तो का नोपको नमी बहुत ज़्यादा होती है, फारमी मानी फुरोसो हवा बहुत ज़्यादा चलने की वजह से थो छुप के मजीद ठंड नक्यो जोयो महसूस होती है, नक्की दा होता है नक्योयो महसूस होना। हंगू की योरम तो कोरिया का मौसम गर्मा भी सप्तो का नौफा सो जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से नमी किर्गिस्तान बुदा थो थपके नक्यो जोयो, किर्गिस्तान से भी मजीद ज्यादा गर्मी महसूस होती है। तो फ्रेंड सवाल क्या था कि थारन गलत बात आपने ढूंढनी है, तभी देखते हैं। किर्गिस्तान हंगू की सोचो के इसोयो, यही गलत बात है बड़ा, किर्गिस्तान थोंगचो के इसोयो, इसने इधर ही कह दिया कि ये सोचोक में है ना, तो वो तो थोंगचोक में था ना। हंगू के फोम खा क्या, ये भी सही है। हंगू के योरम नोफा सो आजू छुपस्मिता, योरम में सप्तो का नोफा सो आजू, ये तो गलत बात है। हंगुक शीगान खर्गिस्तान बुदा से शीगान पारमनीदा, ये भी सही है, ये भी गलत है। हंगू के फोम योरम खाल ख्योरी समनीदा, ये भी सही है। क्या हमने ढूंढना था? ई खरी नेयोंग वा थारन गोशल खोरी शिपशियो, गलत बात हमने ढूंढनी है। खर्गिस्तान अंगू के सो सोचो के सो, यही फिर गलत बात है, यही इसका जवाब होगा, नंबर एक है इसका जवाब, आप इसको टिक कर लें। 859 पे आ जाएं, बिन खान खाली जगह में गियो के थोरो खाल अलमा जन मारल खोल शिफ्शियो, के खाली जगह में जो गियक है इसमें दाखिल होने वाली अलमा जन मारल सही बात जो है खोल शिफ्शियो तलाश करें। अभी पढ़ते हैं, छोने पाकिस्तान सो उन साथी इमनीदा, मैं पाकिस्तान से आया हुआ साथी इमनीदा, उसका नाम है साथी। छोम हंगुगे वासल ते, पहले जब मैं कोरिया में आया था पहली दफा, ईसंग हान बुरी चीजें गोशन छादों छाई उनजोन देगा, उसने कहा कि जो मुझे सबसे बुरी चीज लगी वो क्या थी, छादों छाई गाड़ी का
उंजन तेगा जो ड्राइविंग जो साइड है, वेंचो के इनन गोशी इयोसमिदा, यानी कि वेंचो हमारे तो उधर ओरंचो है ना, इधर वेंचो है। उसने कहा कि जब मैं पहली दफ़ा कोरिया में आया तो मुझे जो इसका स्टेयरिंग था वो जो है राइट साइड पे था, ये सबसे बुरी जो है वो उसको लगी है इसकी बात ना। पाकिस्तान उंजन देगा ओरंचो के इसमनीदा, पाकिस्तान का जो स्टेयरिंग है वो राइट साइड पे है। पाकिस्तान एसो ओरंचक छोन गोश सल्ती सामनीदा, पाकिस्तान में जो राइट साइड है वो एक अच्छी वजह को समझा जाता है, खाली जगह। अक्सुरल हलते सलाम हाथ से मिलाते वक़्त, अमसीगल मोगलते खाना खाते वक़्त, सोनमुरल चूगो फादलते सामान गिफ्ट देते वक़्त या लेते वक़्त, औरन सोनरो सायों हमनीदा, हम दायां हाथ इस्तेमाल करते हैं यानी कि राइट हैंड। तो फिर क्या है मरा फ्रेंड्स इसमें इस्तेमाल होगा, खरे तो खरो ना खरों दे, खरे सो अक्सुरल हालते खरों दे खरों दे, हाँ ये ही होगा खरे सो। तो ओ अक्सुरल हालते खरों दे, सॉरी हाँ यही है खरे सो। नंबर 4 इसका जवाब है, आप इसको टीका लें। खरे सो अक्सुरल हालते, हम सलाम लेते वक्त, खाना खाते वक्त, कोई गिफ्ट देते वक्त या लेते वक्त राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है इसका, ये टीक कर लें। इसके साथ 860 पे आ जाएं। ई सारम है थे हान सोलम्योंग्रो मंदन गोशे खोरशिप्शो, इस शख्स के बारे में वजाहत में सही जो बात है वो आपने तलाश करनी है। धन्यवाद से उसने सलाम किया, चोनन मुझो खे साए सो थानी गो इनन हंग उकसारे मिलता। मुयो कहते हैं कि जो किसी चीज़ की ट्रेडिंग करने वाली या कंपनियां होती हैं ना, उसको कहते हैं कि मैं उसमें जो है ना, चोनन मुयो खे साए सो थानी गो इनन, मैं ट्रेडिंग कंपनी में काम करने वाला हंग उकसारे मिलता कोरियन शख्स हूँ। चोनन शिपिरवो रे हवेसा इलते मुने खम्बोदिया एक हमनीदा, मैं 11वें महीने में कंपनी के काम की वजह से कंबोडिया जाऊंगा। अच्छा ये हवे साइल तेमुने को ना छुलजंग भी कहते हैं, छुलजंग का मतलब होता है कि कंपनी की काम की वजह से बाहर जाना। कंबोडिया एक हमनी था, कंबोडिया जाऊंगा। खोगिए सो वहां पर इलियो चुम सारा या हमनी था, एक साल तकरीबन रहना पड़ेगा। खरे सो तो मीरी कंबोडिया और अल खोंगबुहा को शिप्समी था, मैं पहले पहले कोरिया कंबोडिया की जुबान की पढ़ाई करना चाहता हूँ। इंथोनेट थे सो इंटरनेट पर खुमेर ओ खिलछार इल्को सुंदन गोसल हों जा फे वो सुंदा, उसने कहा कि मैंने खुमेर ओ, ये शायद कंबोडिया की जुबान को कहते हो, खिलचार इल्को वो जो उसके अल्फाबेटिक्स होते हैं उसके बारे में कह रहा है कि सिनन लिखना और जो है वो पढ़ना, गोसल हों जा फे वो सुंदा, मैंने वो अकेला अकेले सीख लिया है। क्रोचमान लेकिन जोंगहा खा गे फारम हागीगा मुछोक ओरियो समिदा, उसने कहा कि लेकिन जो है ना जोंगा का गे मुकम्मल जो होता है आपका के पता हो ना आपको किसी चीज़ का, फारम हागीगा मुछोक ओरियो वो, यानी कि जो फारम होती है बंदे की बात करते वक्त जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी। छोहन थे मुझे खम्फोदिया ओरल खर्चो चुशिल बुनी खेसिमनी का, उसने कहा कि कोई कंबोडिया की जुबान सिखा सकने वाला मुझे कोई बंदा है। छोनर हंगुक मारल खारिचो तरी केसमिदा, उसने कहा कि मैं उसको कोरियन लैंग्वेज सिखा दूंगा। खाची खोंगबुहा को शिफ सिनबुनी सिनबुन, इकट्ठे जो पढ़ाई करना चाहता है वो शख्स आरे छोनवा बोनोरो योल्लाक चुशिशियो, नीचे जो फ़ोन नंबर है इस पर रब्ता कर ले। खोंग ई छिल सम खोंग थाशी खोंग ई खोंग योक, तो अभी फ्रेंड देखते हैं कि इसमें सही बात क्या है। छिगम खम्फोदिया ए साल को इसम नहीं था, गलत है। खमेरे और इको सिलसु इसम नहीं था, हाँ वो पढ़ सकता है। इल्यों थोंगा खम्फोदिया मारल फेवो सम था, यह गलत है। हंगुक मारल खर्चो चुल सारम छक को इसम नहीं था, ये भी गलत है। ये नंबर 2 है कि खमेरे और रल इल्को सिलसु इसम नहीं था, कि वो खमेर की जुबान जो है वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। तो फ्रेंड ये आपके हो गए हैं मुकम्मल, ये आप 2 नंबर पे टिक कर लें, यही आपका रिप्लाई जवाब है सही। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं अपलोड करूंगा। तो अभी यही थी वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करें यार ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों नहीं शेयर करते आप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।